सूरज भाई क्या हो गया, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हमारी तो कोई गलती ही नहीं है, हम क्यों डर रहे हैं? शांत रहो, तुम लोग बात को समझने की कोशिश करो। गलत हमने नहीं किया, बल्कि हमारे साथ किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने साया देखा था ना, वो कोई चोर नहीं था, बल्कि वो इंसान था जो हमारे सामान में ये नशीले पदार्थ मिलाने आया था। और ये नशीले पदार्थ वो पदार्थ हैं जो खिलाड़ी खेल से पहले अपनी ताकत और स्टैमिना बढ़ाने के लिए लेते हैं। मगर सूरज भाई, ये दवाइयां तो बाहर बैन है। मतलब अगर खिलाड़ी ये खाते हो या ये इसके साथ पाया गया तो हमेशा के लिए उसका खेल खत्म। मतलब पुलिस हमें पकड़ने के लिए आई है? अरे अरे सूरज भाई, ये दवाइयां हमारी ना है, ये तो कोई रख कर गया, हम पुलिस वालों को बता देंगे। अरे हम सब साबित कैसे करेंगे, और इन सब चीजों को साबित करने में पता कितना टाइम लगता है? अरे हम तो खेल भी नहीं सकते, और परसों हमारा बहुत जरूरी मैच है। इसका मतलब साफ है कि वो जो भी है ना, वो हमारे बीच में हमारा दुश्मन है। इसने खुद हमारे सामान में ये दवाइयां रखी और खुद जाके पुलिस को सूचित किया। पर भाई अब हम करें क्या? छिपा दो इसे। मैं तो कहता हूँ इसे आग लगा देते। नहीं, एक काम करते, इसको बाहर फेंक देते, हाँ ठीक रहेगा। नहीं, ऐसा करने से हम फंस सकते हैं, इसको पूरी तरह से नष्ट करना होगा। भैया से खा लेते हैं फटाफट। अरे चुप कर बुकर, अरे से ये साबित हो जाएगा ये गोलियां मारी हैं, और हम सबका करियर एक मिनट में चौपट हो जाएगा। आज भी बचते गांव जाके कैसे क्या मुंह दिखाऊंगा मैं सबको? चैंपियन बनने आए थे और यहाँ के अपराधी बन के रह गए। अब तो अदिति मैडम तो अपराधियों से हाथ तक नहीं मिलाएंगी। मैं तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है। मैं पता चला है कि गैर कानूनी तौर से प्रतिबंधित दवाइयां खरीदते हो और उनका सेवन भी करते हो। चलो उठाओ इन सबको, चलो उठ। ये सूचना किसने दिया? मुसाब जी नहीं। जब तक हमारी तलाशी जारी है आप लोग आपस में बातचीत नहीं कर सकते, समझे? से ढूंढो। अरे मेरा बैग। ए, उसको उसका काम करने दो। पास तो कुछ नहीं मिला, फिर इन्होंने वो दवाइयां कहां रख दी? साहब यहां तो कुछ नहीं है। चलो एक सेकेंड। बाथरूम चेक किया तुम लोगों ने? नहीं साहब। क्यों, जाओ चेक करो। चलो जल्दी आ रहे आप। हो सकता है इन लोगों को दवाई मिल गई और इन लोगों ने उसे बाथरूम में छिपा दिया, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। आजिए आजिए। सूरज हम दवाइयों का पैकेट लेकर बाथरूम ही तो गया था, जरूर वहीं छिपाई होंगी उसने, अब तो पक्का पकड़े जाएंगे। आप यहां कुछ भी नहीं है। नहीं है। कमाल है, सूरज तो दवाई लेके बाथरूम ही गया था, दवाइयां गई कहां? आजा आजा।
माफ कीजिएगा हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, पर क्या करें, इट्स पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। शायद हमें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। बॉयज आप लोग प्लीज मत घबराइए, बिना किसी टेंशन के सो जाइए, मैं आपसे कल बात करती हूँ। गुड नाइट। अरे तब कमाल ही हो गया, अरे इतनी सारी गोलियां एक सेकंड में 100% हो गई, मजा आ गया। पर किया कैसे तुमने? रतन अबर, सारी की सारी गोलियां मैंने बाथरूम में कमोड में बहा दी थी। भैया बचा लिया तुमने, वरना आज तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब माफ कर दे सुरु भाई, मैंने तो बहुत गलत समझ लिया था भाई। भाई हम सब बहुत शर्मिंदा है, वाकई तुम हम सब की मुसीबतों के कारण हार हो। छवि बताओ ना, बाजार क्यों आए हैं, खरीदना क्या है? अभी खरीदने तो बहुत कुछ है, कि प्रॉब्लम ये है कि जब से भैया कबड्डी खेलने गए आपने सच नहीं छोड़ दिया, तो इसलिए आपकी नंद आज आपको शॉपिंग कर रही, चूड़ियां बिंदी झुमके सब लेंगे, क्योंकि मेरी भाभियां मुझे हमेशा तैयार अच्छी लगती हैं। वैसे तुमने क्या एक दूसरे से बात कर ली थी जो सेम कलर पहना है? मुझे भी बता देती, मैं भी सेम कलर ही पहन लेती। जेठानी जी मुझे तो ध्यान में ही नहीं आया कि मैंने और छवि ने सेम कलर की ड्रेस पहनी है। छवि इस दुकान में चलते हैं। भाभी आप यहाँ चेक करिए, मैं वहां देख के आती हूँ। जेठानी जी मैं इस वाले शॉप में जाती हूँ। परफेक्ट, चलते हैं। बहन जी ये ले दिखाई ना। अरे मोहित तू यहाँ? अरे राहुल कैसा है यार? बस बढ़िया हूँ, तू बता। बस यार मैं भी ठीक हूँ। मैं मिलता हूँ तुझे। नाम लिखवाड़ो जी अपने प्यार का नाम अंगूठी वाली उंगली पर, आओ आओ सातों जन्म का साथ रहेगा जी। मुझे आप कह रही थी कि अंगूठी वाली उंगली में नाम गुदवाने से सात जन्मों का साथ हो जाता है, सच कह रही थी? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाता है, आओ बैठो। अच्छा तो फिर गुद दीजिए। क्या नाम गुदवाना है आपने, दीजिए नाम। थैंक यू। भाभी ये मैंने क्या कर लिया, साकेत जी का नाम हाथ पे लिखवा लिया, भाभी ने अगर देख लिया तो। अरे सुनो तुम्हारा थैला रह गया। भाभी जो आंटी है ना उनके पास मेरा बैग छूट गया, आप प्लीज ले आएंगे जाके? हाँ अभी लेकर आए भाई साहब। एक काम करती हूँ, अंगूठी से छुपा लेती हूँ। बहन जी मेरी ननद का थैला छूट गया था, थैंक यू। एमली टैटू वाले के पास क्या कर रही थी? हाँ जी वो जो औरत आई थी अभी आपके पास, वो संतरी रंग का सूट पहना हुआ था, उसने आपसे टैटू बनवाया था उसने। अरे साहब यहाँ तो सभी कोई अपने प्यार का नाम गुदवाने के लिए आते हैं, उन्होंने भी गुदवाया है, आओ आप भी अपने प्यार का नाम गुदवा लो।
अब तो खुश हो ना छवि, सब तुम्हारा पसंद कर ले लिया मैंने। लाओ चलो ये बैग दे। नहीं नहीं मैं पकड़ लूंगी। छवि इतनी बड़ी अंगूठी, तुम्हें तो बड़ी अंगूठी पसंद नहीं थी ना, फिर आज कैसे? भाभी अच्छी लगी और कलेक्शन भी नहीं था इसलिए ले ली वो तो बस। ओके ओके बाबा तुम जो चाहे पहन सकती हो। अभी घर निकलते हैं, बाबू इंतजार कर रहे होंगे हमारा, जल्दी से रिक्शा ढूंढते हैं। मैं जानती हूँ आप लोग परेशान हैं ये सोच के कि वो कौन इंसान था जिसकी वजह से आपका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने वाला था कल रात को। वो इंसान जिसने आप लोगों के कमरे में दवाइयाँ रखी थी वो और कोई नहीं अभय था। मैंने अपनी तरफ से पता लगाया है, पुलिस को इन्फॉर्म अभी नहीं किया था। अभय ने दूसरी बार ये घटिया हरकत की है, पहले खाने में मिलावट और अब ये ड्रग्स। अरे ऐसे में हम कबड्डी खेलेंगे या ये ध्यान रखेंगे कि वो आगे क्या करने वाला है? रताऊ इस बार तो उसने हद कर दी, इस बार उसने सबक सिखाना पड़ेगा। चलो रे उसके हाथ पैर तोड़ के आते हैं, एक बार उसके हाथ पैर टूटेंगे ना और बिस्तर पे आएगा उसके कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। चलो उसको तोड़। एक मिनट एक मिनट, मैं समझ सकती हूँ आप लोग बहुत गुस्से में है अभी को लेके, लेकिन आप जो करने जा रहे हैं वो वही चाहता है। सूरज कुछ कहना चाहते हो? मैडम जी भले ही पुलिस को खबर देने वाला अभय है लेकिन वो जो हमारे कमरे में आया था, वो साया जिसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो अभय नहीं हो सकता। क्योंकि उसका डील डोल कद काट वो अभय की तरह नहीं दिखा। आप ही सोचिए ना कि एक खिलाड़ी जो किसी टीम में खेल ही नहीं रहा उसका हमारे कैंप में आना कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कोई और भी है। इसका मतलब अभी का और भी कोई साथी है, ना सिर्फ एक शातिर दिमाग वाला इंसान है बल्कि उसकी पहुंच इस कैंप तक है, तुम्हारे कमरों तक है। बॉयज मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ आप लोगों को आपकी गेम को कुछ नहीं होगा। आप लोग अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ कबड्डी पर लगा के रखिए, हम सब पता कर लेंगे। थैंक यू। फैमिली ने जरूर जाकर का नाम गुदवाया है आपके और अब पट्टी के नीचे से भारी है। अंगूठी बहुत अच्छी है, सीरियसली अच्छी है, लेकिन थोड़ी बड़ी नहीं है। जाकिर मेरी नंद की टांग खींचना बंद करो तुम। हाँ टांग नहीं खींच रहा हूं। संध्या मेरा पुलिस से शक ये कहता है कि इसमें कोई ना कोई राज है।
हे भगवान, तुम तो बेचारी के पीछे ही पड़ गए हो। सिंपल सी तो अंगूठी है। वैसे भी लड़कियों की बात है तो मैं समझ नहीं आएगी। अरे एमिली, थोड़ी दाल देना। आराम सुखा हुआ जाकर जी। सब्जी बहुत अच्छी है, इमली भी इन्होंने बनाई है। कपड़ा कुछ, आई एम सो सॉरी इमली, वो गलती से दाल गिर गई, मेरा हाथ लग गया था। तुम्हारी तो पूरी पट्टी गीली हो गई। एक काम कर, इसको ना चेंज कर लो। मैं ही चेंज कर देता हूँ, रुको। मोहित, मैं कर लूंगी। एमली कैसी बातें कर रही हो, पट्टी गीली हो गई है, पट्टी तो है, मैं कर देता हूँ ना चेंज। आज तुम्हारा और जाकिर का सारा चक्कर सबके सामने खोल के ही रहूंगा मैं। मैं कर लूंगी बोल रही हूँ ना। अब वो देख लो, कितनी चोट लगी है तेरी बिन्नी को। इमली बिन्नी में इतनी चोट लगी है और तूने मारे को बताया क्यों नहीं? कुछ नहीं, मामले से ही है। इमली के हाथ में तो सच में चोट लगी है। चल पट्टी करती हूँ। बाबू मैं ना बिन्नी, तू रुक, तू आराम से खा ले। बाबू बैठ के खाइए ना। मैं रेड दे, तू बैठ चुरा, मैं आऊ। चल आजा, चल पट्टी करती हूँ। पर टैटू वाली ने ये क्यों कहा कि एमिली ने टैटू बनवाया था? मैंने अपनी जयपुर वाली मैडम को तुम्हारी वेबसाइट देखने के लिए कहा था। उन्हें तुम्हारी ड्रेसेस बहुत पसंद आई है। उन्होंने दो तीन ड्रेसेस भी पसंद कर ली। ये इस पेपर पर ड्रेसेस का कोड नंबर लिखा हुआ है और एड्रेस भी। वहाँ पर ये ड्रेसेस भिजवा देना जी। ये दवाई क्या हुआ तुम्हें? भाभी क्यूब है, मेडिकल स्टोर से गलत ले आई थी, कल चेंज कर दूंगी। ये क्या है ये सब? जवाब दो छवि, क्या तुम जाकिर से प्यार करती हो? बोलो छवि। हाँ भाभी, मुझे जाकिर जी से प्यार हो गया है। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।